तो मुझे लगता है कि आपने फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं, ये कहां पे हो रहा होगा? इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर बन रहे होंगे स्पर्म्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर हम नंबर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पूछें आपसे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का नंबर कितना होगा, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट कहां पे है। प्रेजेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर कितना है? इन ईच टेस्टिस 250। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में नंबर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कितने होंगे? 1 to 10, 1 से 10 तक। मैं बार बार बोल रहा हूं, जनरली कम की तरफ होंगे। तो नंबर जो होगा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का, ये होगा 1, 2, 3। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होंगे। अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो 6 सेंटीमीटर इनकी लेंथ हो सकती है, और डायमीटर इनका होगा 0.2 मिलीमीटर। आपको ये डेटा याद नहीं करने हैं बिल्कुल, बस मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि ये हाईली क्वाइल्ड क्यों है। तो लेंथ आपको पता है इसकी, टेस्टिस की कितनी होगी? 4 से 5 सेंटीमीटर। और 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में 250 कंपार्टमेंट्स है, और हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 6 सेंटीमीटर की लॉन्ग टिब्यूल है, जिसको हम बोल रहे हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो ये बड़ी ही क्वाइल्ड होंगी, बहुत कह सकते हैं कि कॉन्वुलेटेड होंगी, बहुत हाईली क्वाइल्ड होंगी। लेकिन अगर हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर से एक सेमिनिफेरस टिब्यूल को निकाल करके स्ट्रेट करें, सीधा करें, मतलब इसके अंदर खूब ढेर सारी क्वाइल्ड क्या है, 1 से लेकर के 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल है। एक सेमिनिफेरस टिब्यूल को मैं निकाल रहा हूं बाहर, और इसको कर रहा हूं सीधा। और अगर मैं इसको सीधा कर दूंगा तो ये इस तरीके से ब्लाइंड शेप्ड होगी, यानी कि एक तरफ ये बंद होगी और एक तरफ ओपन होगी, यानी यू ट्यूब के जैसे होगी, ब्लाइंड होगी, एक तरफ बंद होगी, एक तरफ क्या होगी? ओपन होगी। अब इस टिब्यूल के अंदर यहां पे बन रहे होंगे स्पर्म, इस टिब्यूल के अंदर यहां पे बन रहे होंगे स्पर्म्स। इस सेमिनिफेरस टिब्यूल को अगर मैं यहां से कट करता हूं, कौन से एक्सिस के अबाउट? ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट। और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर मैं देखता हूं, तो मैंने आपको बताया कि ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इसको हम यहां से कट कर रहे हैं, फिर आपको इधर से दिखा रहे हैं। तो इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, ये सर्कुलर अपीयर होगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन है, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन इसका देखेंगे, तो ये अपीयर होगा इस तरीके से सर्कुलर, अपीयर होगा इस तरीके से सर्कुलर। मैं कर क्या रहा हूं, इस सेमिनिफेरस टिब्यूल की इतनी सी वॉल को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं आपको, ये एनलार्ज्ड व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, सिर्फ इतनी सी वॉल को। जो अरेंजमेंट मैं इतने वॉल में दिखा रहा हूं, वो पूरी वॉल में होगा। तो मैंने किया क्या कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल है हाईली क्वाइल्ड, निकाल के मैंने स्ट्रेट किया, फिर इसको ट्रांसवर्स सेक्शन के अबाउट कट किया। ट्रांसवर्स सेक्शन देखा तो सर्कुलर मिला हमको, और हम उसमें से थोड़ा सा काट करके इसकी वॉल को मैग्निफाई कर रहे हैं, इसका एनलार्ज्ड व्यू दिखा रहे हैं। तो यानी अगर हम इसके इतनी सी वॉल को बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से एनलार्ज्ड व्यू में दिखाई देगी। अब ये जो वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इट इज इंटरनली लाइंड बाई 2 types ऑफ एपिथेलियम। इसमें 2 तरीके की एपिथेलियल सेल्स होंगी। ये जो एपिथेलियल सेल मैं ब्लैक से बना रहा हूं, एक ये इस तरीके की सेल्स होंगी। मैंने आपको बताया कि सेमिनिफेरस टिब्यूल की जो वॉल है, वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है, सेमिनिफेरस टिब्यूल की ये जो वॉल है, इट इज इंटरनली लाइंड बाई 2 types ऑफ एपिथेलियम। ये जो ब्लैक कलर की एपिथेलियम मैंने आपके सामने बताया, पहली चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इंटरनली लाइंड है, किसके थ्रू? एपिथेलियम के थ्रू, एपिथेलियम या कह सकते हैं एपिथेलियल सेल्स। तो आपको क्लास 11 से ये बात समझ में आती है कि कोई भी हॉलो ऑर्गन होगा तो इसकी इंटरनल वॉल, इनर वॉल जो होगी, वो भी एपिथेलियम से लाइंड होगी, और जो एक्सटर्नल सरफेस होता है वो भी किसके थ्रू लाइंड होता है? एपिथेलियल सेल से। लेकिन जो एपिथेलियम जैसे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है, उनको एंडोथेलियम बोलते हैं। इस तरीके से जो एपिथेलियल या एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियम गोनैड्स में प्रेजेंट होती हैं, जो इवेंचुअली जर्म सेल्स बनाती हैं, इन एपिथेलियल सेल्स को हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम।
तो एक चीज हमें समझ आ गई कि ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं। ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं। और ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो है ये डिवाइड करेंगी और बनाएंगी स्पर्मेटोगोनिया, ये बनाएंगी स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया जो है इवेंचुअली डिवाइड करके बनाएंगी मेल गैमेट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि ये जो वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल है इट इज इंटरनली लाइंड बाय द टू टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल। पहली एपिथेलियम मैंने आपको बताया जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम बनाएंगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे स्पर्म्स यानी मेल गैमेट्स। और बीच बीच में यहाँ पे कुछ इलॉन्गेटेड सेल्स भी प्रेजेंट होंगी इस तरीके से यहाँ पे बीच बीच में कुछ इलॉन्गेटेड सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये भी क्या है, एपिथेलियल सेल्स हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये है कैसी, इलॉन्गेटेड हैं। और इन इलॉन्गेटेड एपिथेलियल सेल्स को, इन इलॉन्गेटेड एपिथेलियल सेल्स को मैं बोल रहा हूं सर्टोली सेल्स, इनको मैं बोल रहा हूं सर्टोली सेल्स, या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सस्टेंटेकुलर सेल, या इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं नर्स सेल्स, इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं नर्स सेल। तो ये जो सर्टोली सेल है या जो सस्टेंटेकुलर सेल्स हैं या जो नर्स सेल जिनको हम लोग बोल पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट होंगी सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, जो रिलीज करेंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इंटरस्टीशियल स्पेस में एंड्रोजन को बाइंड करके लेकर के आएंगी इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये वही वाली सेल है। तो आपको याद आ गया होगा कि ये पहली चीज तो रिलीज कर रही होंगी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम मैंने आपको बता दिया कि इंटरस्टीशियल स्पेस में जो एंड्रोजन रिलीज हो रहा है फ्रॉम द इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडिग, उससे एंड्रोजन को बाइंड करके ये लेकर के आएंगी इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल, ताकि क्या हो सके, इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। दूसरी तरफ ये एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं इनहिबिन, इसको हम लोग बोल रहे हैं इनहिबिन। और इनहिबिन हार्मोन जो है ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करेगा विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक। हम अभी समझेंगे उसको जब स्पर्मेटोजेनेसिस समझेंगे। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि तीसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन आप इसका ये समझिए कि ये हेल्प करेगा इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिलियोसिस। स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में एक सेल्स बनती हैं कुछ जो स्फेरिकल होती हैं, उनको हम स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। फिर उनमें ट्रांसफॉर्मेशन या मेटामॉर्फोसिस होती है और इन स्पर्मेटिड्स से कुछ स्पेशलाइज्ड मोटाइल स्पर्म सेल्स बनते हैं। तो स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल या सस्टेंटेकुलर सेल के पास। तो मेन कह सकते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, सर्टोली सेल या सस्टेंटेकुलर सेल के पास। तो एक और फंक्शन हमें समझ में आ गया सर्टोली सेल का कि ये स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस प्रोसेस में भी क्या कर रही होगी, हेल्प कर रही होगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए कि इसको हम नर्स सेल क्यों बोलते हैं। तो जब स्पर्म बन जाएगा सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, तुरंत तो इसको हम बाहर निकाल नहीं देंगे। तो जब तक ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर रहते हैं स्पर्म्स, बिफोर द इजेकुलेशन, तुरंत हम स्पर्म को इजेकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो अभी कुछ देर के लिए बनने के बाद ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर रहेंगे। और जब तक रहेंगे ये अपने हेड के थ्रू इम्बेडेड रहते हैं, अपनी हेड की हेल्प से इम्बेडेड रहते हैं सर्टोली सेल से, और वहां से नरिशमेंट लेते रहते हैं। यानी कि जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स हैं इनको नरिश करती रहती हैं सर्टोली सेल या सस्टेंटेकुलर सेल, इसलिए हम इनको क्या बोल पाते हैं, नर्स सेल्स बोलते हैं या नर्सिंग सेल्स बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि सर्टोली सेल या नर्सिंग सेल का काम क्या है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा बड़े ध्यान से,
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई है, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो दो तरीके की इपिथीलियल सेल्स हैं, जो दो टाइप की इपिथीलियम है, किसमें? वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल में। मैंने आपको बताया कि वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल इंटरनली लाइन होगी दो टाइप की इपिथीलियल सेल्स से, एक ये वाली ब्लैक वाली और ये एलोंगेटेड डेड वाली। ब्लैक वाली को हम बोल रहे हैं जर्मिनल इपिथीलियम सेल, जो स्पर्मेटोगोनिया और फाइनली स्पर्म बना रही है। तो ये जो जर्मिनल इपिथीलियल सेल्स हैं, जो स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, ये सेल्स इस गोनेड की सेल्स नहीं है। ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया कि सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है इसकी वॉल में, इंटरनल वॉल में दो तरीके की इपिथीलियल सेल्स हैं। दो तरीके की इपिथीलियल सेल्स की इंटरनल लाइनिंग है, एक जर्मिनल इपिथीलियल सेल्स, दूसरी सर्टोली सेल। जो जर्मिनल इपिथीलियल सेल्स हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया और फाइनली क्या बनाएंगे? स्पर्म्स। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जर्मिनल इपिथीलियल सेल्स ये खुद गोनेड की या सेमिनिफेरस टिब्यूल की सेल्स नहीं है। ये एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गोनेड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कहीं बाहर से आ गई और एम्बेडेड हो गई किसमें? वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल में। फिर मैं बोल रहा हूं, जो जर्मिनल सेल्स हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया और इवेंचुअली स्पर्म प्रोड्यूस कर रही हैं या बना रही हैं, ये गोनेड के खुद की सेल्स नहीं है, ये गोनेड की इपिथीलियम नहीं है, ये गोनेडल डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कहीं बाहर से आ गई हैं। यानी ये जो जर्मिनल इपिथीलियल सेल्स हैं, ये गोनेड की नहीं है, कहीं बाहर से आ रही हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा गोनेडल। इनको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा गोनेडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की होंगी, एक्चुअली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की होगी, लेकिन इतना डिटेल हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल में दो टाइप्स के एपिथीलियम है, और इसमें जो जर्मिनल एपिथीलियम है, जो एक्चुअली स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है, जो वाकई में स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है सेल्स, उनको हम जर्मिनल इपिथीलियल सेल्स बोल रहे हैं। ये खुद के गोनेड की सेल्स नहीं है। तो गोनेड का जो मेन फंक्शन है क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन, गैमेट प्रोडक्शन। जो सेल्स गैमेट बना रही हैं, वो खुद गोनेड की नहीं है, वो क्या है? एक्स्ट्रा गोनेडल है। तो ध्यान से इस बात को आखिरी बार समझ लीजिए कि गोनेड का मेन फंक्शन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन फंक्शन होता है गैमेट ऑफ द सेक्स बनाना, उस सेक्स का गैमेट बनाना। लेकिन यहां पे जो गोनेड है, टेस्टिस है, ये जो गैमेट बना रहा है, जिसको हम स्पर्म बोल रहे हैं, ये स्पर्म जिन सेल्स या जिन इपिथीलियम से बन रहा है, जर्मिनल इपिथीलियम से, ये खुद गोनेड की नहीं है, ये क्या है? एक्स्ट्रा गोनेडल है। बचती है दूसरी वाली इपिथीलियम, जिसको हम सर्टोली सेल या सस्टेंटिकुलर सेल या नर्स सेल या नरिसिंग सेल बोल रहे हैं, ये एक्चुअल इपिथीलियम है, किसकी? सेमिनिफेरस टिब्यूल की या गोनेड की। तो आपसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स हैं, जो जर्मिनल इपिथीलियल सेल्स हैं, ये कौन सी इपिथीलियल सेल्स हैं? तो आप बोल सकते हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से आई हैं, या सिंपली आप कह सकते हैं ये एक्स्ट्रा गोनेडल हैं, ये खुद गोनेड के सेल्स नहीं हैं। तो कौन सी एक्चुअल गोनेडल सेल है? तो सर्टोली सेल या सस्टेंटेकुलर सेल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और इनके बेसिक फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। और बेस बात हमें याद होनी चाहिए कि स्पर्म बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया कहां से बनेंगे? जर्मिनल एपिथीलियम से। जर्मिनल एपिथीलियम सेल इंटरनल लाइनिंग में प्रेजेंट होगी वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल में, और ये एक्स्ट्रा गोनेडल होंगी। तो ये जो जर्नी है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का प्रोडक्शन, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। तो इस चीज को बड़े ध्यान से फिर से समझिए। मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म के बनने की प्रोसेस को फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो
स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म्स फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया थ्रू मियोसिस। इस बात को हम जस्ट थोड़ी देर में समझ रहे हैं, उसके पहले आप इसको दोबारा से एक बार बड़े अच्छे से क्या करके रिवाइज करिए, और जैसे ही आप इसको रिवाइज कर लेते हैं मैं आपको स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म तक लेके चलूंगा, यानी कि मैं समझाऊंगा आपको स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जस्ट इसको आप रिवाइज करिए, फिर हम स्पर्म फॉर्मेशन पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस।